بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات. शुक्र है परवरदिगार आलम ने यौम सकाए करबला कमर बनी हाशिम के दिन हमें सांस लेने की इजाज़त दी, हमें इस दिन को दर्द करने के लिए ज़िंदा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अजीम तवस्सुल जो हमने करना है, जिसके ज़रिए बहुत से कमज़ोर इरादों ने कवी होना है। बहुत सी मोमिनात नहायत खुश नसीब है जिन्होंने अबुल अहरार के इस अजीम माइदाए हुसैनी से जनाब हुर से तवस्सुल करके बहुत सी गुनाहों से छुटकारा आज़ादी हासिल कर ली। हज़रत शहज़ादे कासिम ने जिन्हें ज़ौक़ हयात और ममात सिखा दिया और मौत को हयात अबदी को आप जैसी मोमिनात के लिए असल शहद की तरह शीरी बना दिया। और जनाब अली अकबर मुअज्जिन हुसैनी ने हमारे अजान में रूह डाल दी, जान डाल दी। अब जो लुत्फ अजान व इकामा पढ़ने में आता है, अब जो लज्जत तूलानी सजदों में हासिल होता है, बार इलाहा ये अय्याम करबला बहक अबुल फजल अब्बास जो नूर जो हयात जो रूह हमारी हयात में ला रहा है और जो ईमान जो अत्रे खुशबूए नूर अहले बैत बारे इलाहा कुल यौम कुल अर्ज हर ज़मीन हर मकान हर जमान को इसी तरह हमारे लिए हुसैनी अब्बासी और अहले बैत के नूर से मुनव्वर रखना। रह गई रस्म अजा रूहे बिलाली न रही, इंशाअल्लाह अब वो रस्म अजा नहीं है। हुसैनी अजीम मुअज्जिन को जब याद करते हैं अब वो रस्मी अजान नहीं देते, वो रस्मी वजू नहीं करते, बल्कि वो रूह है बिलाली वो रूह है अली अकबरी से हमारी ज़िंदगियाँ मुअज्जर मुनव्वर हो रही हैं। और आज तो हमने अब्बासी बनना है। अब्बा सुरैया अबसा व तवल्ला, माशाल्लाह हर मुसलमान का बच्चा बच्चा अब्बास के माना से खूब आगाह है, बसीर है, वाकिफ है, कुरान शनास यहाँ तशरीफ़ फरमाए। अबसा व तवल्ला, अब्बास यानी वो हस्ती जो हया अदब एहतराम वफा का पूरा मुजस्सम और पेकर हया कि उस कमाल को अब्बास ने छुआ
जो मुबाह वो अमल जो कि हलाल है, जिससे रब भी राज़ी, रसूलुल्लाह भी राज़ी और वलीउल्लाह भी राज़ी, लेकिन अब्बास उस अमल को अंजाम नहीं देते। पानी पीना हलाल था, लेकिन वो अदब है ना, वो हया है ना, वो एहतराम है ना, वो इज्जत है ना। बार इलाहा बहक अदब व हया अब्बासी हमें गुनाहों से, खताओं से, बेहयाई दरगाह इलाही से महफूज रखना। परवरदिगारा गुनाह की तलखी, गुनाह की करवाहट हम सबको नसीब फरमा और इबादत की लज्जत और हलावत और मिठास के साथ हमें बेहतरीन साजदीन आबिदीन में करार दे। वो अब्बास जिन्होंने हमें ये सिखाया कि अदब का तकाजा ये है, हम सब बारगाह इलाही में हैं, ये दुनिया, ये अर्ज़ इलाही, ये हयात, ये ज़िंदगी दर हकीकत एक अदालत गाह है ना, जिसमें हम खड़े होकर इसीलिए अजानों, इकामों, नमाज की तशहुद में हम कहते हैं अशहदो, गवाही तो वहाँ दी जाती है जहाँ कोई जज हो, काजी हो, बाकायदा अदालत गाह हो। ये महज़र इलाही है दुनिया, ये दुनिया दर हकीकत जैसा सूरह अलक ने भी कहा, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, तुम नहीं जानते कि अल्लाह तुझे देख रहा है। निगाह इलाही के सामने हम सब हाजिर हैं, इसलिए नमाज का आगाज़ क़याम से होता है। क़याम के लिए जैसे ही आप खड़े होकर कहते हैं अल्लाहु अकबर, क़याम उस क़यामत को याद दिलाने के लिए है जहाँ जब सारे पर्दे हटकर आप सब और हम सब कायम क़याम करेंगे, अल्लाह के सामने हाज़िरी देंगे। इसलिए मासूमीन क़याम सलात के वक्त उनका बदन जोड़ जोड़ कांप रहा होता था, वुज़ू के वक्त उनकी रंगत बदल जाती थी, क्योंकि वो मुसलसल अपने आप को बारगाह इलाही में महसूस करते थे। मैं आपको ये वाक़या सुनाऊँ मंसूर दवानकी के वक्त, इमाम हसन मुज्तबा की औलाद पर नहायत कठिन वक्त आया। मंसूर ने चुन चुन कर सादात को पकड़ा, पकड़ के उनसे बहुत सी मालूमात लेना चाहा, ख़ास तौर पर औलाद सैयद शबाब अहलल जन्ना को। अब जब वो तमाम के तमाम मंसूर की गिरफ्तारी में है और मंसूर ने जब देखा वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जवाब नहीं दे रहे, उन्हें शिकंजा आज़ाब देने के लिए ज़िंदान में बंद किया और ज़िंदान में इस तरह से बंद रखा कि बिल्कुल घुप अंधेरा, और अगर कोई मर जाता उन ताज़ियानों के ज़रिए उस बदन को उठाया न जाता ताकि उसकी बू से औलाद इमाम हसन और ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियत में रहें। लेकिन आप देखें तो सही, मोमिन देखें तो सही, अदब हया हुजूर इलाही इंसान को कितना कवी बना देता है कि औलाद इमाम हसन मुज्तबा पर हमारी जान कुर्बान, कि आपका हम व गम व फ़िक्र ये नहीं कि खाने को कुछ नहीं मिल रहा, बदन पर ज़ख्म है, ताज़ियानों के निशान है, या उस मुर्दा शख्स से बदबू आ रही है, नहीं, बल्कि फ़िक्र ये है, गम ये है कि इतना घुप अंधेरा है कैसे पता चलेगा नमाज के वक्त का। इसलिए क़ुरान की तिलावत को तमाम जिंदानियों ने पांच हिस्सों में तकसीम कर दिया। जैसे ही क़ुरान को पांच हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा जब तिलावत हो जाता, हाफिजी ने क़ुरान थे ना, जैसे ही एक हिस्सा ख़त्म होता एक नमाज पढ़ते, दूसरा हिस्सा ख़त्म होता दूसरी नमाज पढ़ते। यह है वो मुसल्ली जो मुअज्जिन अली अकबर की अजान पर लब्बैक कह रहे हैं। नहजुल बलागा की 38 के हम मेहमान हैं, उसी का इदामा आज हमने देना है। और बार बार न जाने क्यों आज ये हदीस मेरे वजूद में इस तरह से गूंज रही थी
कि मौला अली को सामने बिठा कर मेरे नबी अक्सर सूरह क़द्र की तिलावत फरमाते थे और आपके कांधे मुबारक पर हाथ रख के कहते थे, अली ये सूरह तेरा सूरह है, या अली इन्नल मलाइका लखुद्दामुना, अली मलाइका हमारे खादिम हैं, व खुद्दामो मुहिब्बीना और हमारे मुहिब्बों के भी मलाइका फरिश्ते खादिम हैं, या अली अंता मिन मिन्नी व अना मिन रूह का मिन रूही व तीनत का मिन तीनती, मेरा तीन मेरा वजूद, मेरा खाक तेरा खाक, तेरी रूह मेरी रूह, हमारे शिया हमारी ही बची हुई खाक से बने हैं, लिहाजा या अली शियातों का शियातुल्लाह, अनसारों का अनसारुल्लाह, हिज्ब का हिज्बुल्लाह, औलिया का औलिया अल्लाह, ए अली तुझे जो फॉलो करते हैं, तेरे नक्श कदम पर जो चलते हैं, वो दर हकीकत अल्लाह के शिया हैं, वो दर हकीकत अल्लाह के नासिर हैं, वो दर हकीकत अल्लाह के वली हैं, वो दर हकीकत हिज्बुल्लाह में से हैं, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, हिज्ब इलाही हमेशा कामयाब ही हैं, लिहाजा वो कौल वो हसीन नगमा अलवी जो नहजुल बलागा की शक्ल में हमारे साथ मौजूद है, और आप जैसी मोमिनात जो खादिम भी हैं आज़ादार भी हैं, और बहुत से लोग अपने अपने घरों में अपने अपने इलाकों में मजलिसें कर रहे होते हैं और खिदमत कर रहे होते हैं मुहिब अली की, उनके लिए मैं एक वाक़या मुंतज़मीन के लिए भी ख़ास तौर पर जो जिस इश्क और मोहब्बत के साथ इंतज़ाम करते हैं खिदमत करते हैं आज़ादारों की, ये वाक़यात बहुत मोतबर हैं। आयतुल्लाह अब्बास काशानी जो इमाम जमात हैं करबला के हरम हरम हुसैनी के, उनसे मुलाकात का शरफ़ हकीर को मिलता रहा है। आयतुल्लाह काशानी के ज़माने में एक शख्स आता था रहता था आया था रश से ईरान से, और अपने आप को उसने वक्फ़ कर लिया था आज़ादारों की खिदमत के लिए, नहायत खुलूस के साथ सीधा सादा मुखलिस सच्चा, और कहते हैं ना अक्सर जन्नत में ऐसे भोले भाले सीधे सादे लोग जिन्हें हम अल्लाह मियाँ की गाय कहते हैं, ऐसे ही लोग जन्नत में जाते हैं, वो चलाक पलाक लोग जन्नती नहीं होते, जो सीधे सादे होते हैं ना खालिस होते हैं। इसलिए मेरी बीवी ने फरमाया कि मन अखलसा लिल्लाहि खालिस अमलिही अहबतल्लाहु इलैहि अफजल मसलहतिही, जो एक खालिस अमल बारगाह इलाही तक पहुंचा सका उसके अमल में इतनी ताकत और खुशबू हो कि वो बारगाह इलाही उस ममलिकत तहारत को क्रॉस करके उस अर्श तक पहुंच जाए, अहबतल्लाहु इलैहि अफजल मसलहतिही, उसकी तो तकदीर बन जाती है। परवरदिगार आलम फिर कहता है क्योंकि ये मेरा खालिस बंदा है, इसका पूरा काम सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसका लैल व नहार शब व रोज़ इसका माल इसका वक्त सब मैं इस्तेमाल करूँगा, हर काम इलाही होता है, खुदा फिर उस बंदे के लिए बरनामा टाइम टेबल शब व रोज़ का टाइम टेबल रब बनाता है, इसे मसलहत कहते हैं। लिहाजा अल्लामा काशानी के दौर में ये अब्बास एक खादिम और अल्लामा आयतुल्लाह काशानी कहीं मजलिस पढ़ने तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स ने उसे रोक कर कहा कि वो जो खादिम आज़ादारान हुसैन है, वो जो आज़ादारों को बहुत खुलूस से चाय पिलाता है और जो दरियाँ बिछाते हैं आप लोग कनात लगाते हैं, पता नहीं पानी का इंतज़ाम है, शेख मुफीद का भी वाक़या है कि एक मरतबा वो अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर गए और दोस्त ने बार बार पूछा पानी पी लो पानी पी लो, उसने पानी नहीं पिया, जैसे ही दोस्त के साथ घर आए फौरन माँ से कहा या उम्मी है मेरी माँ मुझे पानी पिलाओ, तो वो दोस्त हैरान हुआ का शेख मुफीद रास्ते भर में पूछता रहा पानी पानी पानी, आपने इनकार किया आते ही आप पानी मांग रहे हैं, तो शेख मुफीद जो इमाम से ख़त रिसीव और वसूल करते हैं गैबत सुग्रा के ज़माने में, बहुत अजीम सैयद रज़ी जिन्होंने नहजुल बलागा को कंपाइल किया है बनाया है उनके उस्ताद शेख मुफीद, अपने दोस्त से पानी ना लिया, घर आके फौरन माँ से कहा मुझे पानी दे दो, जब दोस्त ने पूछा मुझसे क्यों नहीं पिया, कहा
पानी पिलाने का इतना अज्र और सवाब है कि मैं सिर्फ अपनी माँ को यह अज्र देता हूँ। उम्मे गज़ाला को कितना सवाब मिल रहा है, माशाल्लाह, अहसन तो बारकल्ला। सलाम का भी यही है, इतना अज्र है सलाम करने का, ना जवाब तो ज़रूरी है। एक दफ़ा एक और एक शख्स अपने उस्ताद के पास गया, उस्ताद ने उसकी बहुत खिदमत की, बहुत मुश्किलात थी सारी हल की, और वही उस्ताद बाज़ार में मिला तो वही शख्स शागिर्द छुपने लगा। तो उस्ताद हैरान हुआ, ये क्यों छुप रहा है, मैंने क्या बुरा किया इसके साथ? तो छुपता रहा, उस्ताद नज़दीक जाके कहने लगा, क्या हुआ? सलामुन अलैकुम। कहा, आका आपने इतनी मेरी खिदमत की, इतनी भलाई मेरे साथ की, मैंने सोचा मैं छुप जाऊं, आप आकर मुझे सलाम कर लें ताकि मैं कुछ भलाई का जवाब इस अंदाज से दूं कि सलाम करने की तौफीक आपको मिल जाए। हमारे माशरे में कभी होता है बाज़ लोगों को खुदा तौफीक नहीं देता, वो ज़रा अकड़ के बैठ जाते हैं, आप खुशी खुशी झुक झुक के क़ुर्बतन इलल्लाह ज़ोर से कहें अस्सलामु अलैकुम। जिन्हें सलाम करने की तौफीक मिलती है वो खुश नसीब है, वो नसीब वाले हैं। अल्लामा काशानी को जब कहा जाता है, वो अब्बास रश्ती बहुत बीमार है, अकेला है, गरीबुल वतन है, कोई उसका नहीं है, गुमनाम है, चुपचाप काम करता है खुलूस के साथ। आप जाए ना उसको देखने के लिए, अल्लामा ने कहा मैं मजलिस पढ़ के जाता हूँ। कहा, नहीं अल्लामा हालत बहुत ख़राब है, मजलिस से पहले ज़रा कुछ मिनटों के लिए आप चले जाएं। जब अल्लामा पर इसरार किया जाता है, आप जाते हैं तो एक बहुत ही खस्ता हालत में, एक बहुत ही हकीर जगह पर, बहुत ही गुर्बत में, हर तरह की गुर्बत चपक रही थी, और वो अब्बास ऐसे बिस्तरगीर हुआ हुआ लग रहा था जैसे आलम इंतज़ार में है। अल्लामा अपने कुछ शागिर्दों के साथ थे। कहा, ये बीमारी ये मर्ग है, मौत की बीमारी है, ये तो दुनिया से जा रहा है, कोई मसाइब पढ़ ले। मसाइब पढ़ने से, इमाम का ज़िक्र करने से शयातीन भाग जाते हैं। एक शख्स ने मसाइब इमाम हुसैन को पढ़ना शुरू किया अब्बास रश्ती के सामने, वही अब्बास जो बिल्कुल बेजान आलम इंतज़ार में एकदम से उठ के बैठ गया सेहत सलामती के साथ, और कहने लगा, अस्सलामु अलैकिया अबा अब्दुल्लाह हुसैन, आपके कदम इस हकीर के पास है, मेरे आका आप मुझसे मिलने तशरीफ़ लाएं। एक एक करके उस गरीब और फ़कीर और सादा खादिम आज़ादारान हुसैन ने आइम्मा को सलाम किया और दोबारा इस तरह से सो गया जैसे कई दिन का मरा पड़ा हुआ है। आयतुल्लाह काशानी ये मंज़र देख के हैरान रह गए और फिर कहा कि अब्बास रश्ती का बदन तशिये जनाजा एक मरजा की तरह होगा, क्योंकि इमाम इससे मिलने आए, इसका अमल मकबूल दरगाह इलाही है बाकायदा, क्योंकि आप इमाम जमात आलिम आयतुल्लाह ने ऐलान करवाया और बाज़ारों को बंद किया गया, बेहतरीन जगह उस खादिम आज़ादारान हुसैन का के लिए दफन का इंतज़ाम किया गया, और जब इसी एक खादिम का सैयूम था सहने मुबारक इमाम हुसैन हरम के, एक सहन का जो नमाज जमात हर सहन का अलग अलग होता है, वो एक 90 साल का आयतुल्लाह आकर कहता है अल्लामा काशानी से कि क्या मैं कुछ मिनट मजलिस पढ़ सकता हूँ? तो वो हैरान हुआ कि आप तो मेंबरी नहीं हैं, आप मेंबर पे जाते नहीं हैं, क्योंकि मुज्तहिदीन आम तौर पर मजलिस नहीं पढ़ते, उन्हें रोज़ा पढ़ना नहीं आता, मद्दाही करना नहीं आता। और वो आए और आकर उन्होंने कहा मुझे मद्दाही करना नहीं आता, लेकिन मैं क्या करूं, जब मुझे आयतुल्लाह काशानी ने बताया कि ये खादिम ऐसा इस आलम से, इस दुनिया से गया कि इमाम उसकी ज़्यारत के लिए आए थे, रात भर में सोचता रहा कि या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, क्या आप मुझसे भी मिलने आएंगे, आप अपने चेहरे की ज़्यारत मुझे कराएंगे कि नहीं?
इसी आलम में मुझे मुकाशफा हुआ कि मैंने देखा अब्बास रश्ती जो हैं वो एक बाग में जवान हसीन और खुद्दाम उनके इर्द गिर्द, उन्हें बहुत बड़ी सल्तनत मिल रखी है और मुझसे आकर कह रहे हैं कि ए आयतुल्लाह, ये तमाम अज्र जो है मुझे आका मौला हुसैन ने दिया। और मुझे मौला हुसैन ने कहा कि ए अब्बास रश्ती, ये तो आलम बरज़ख़ है, क़यामत तो आने दो, तुम्हारा और ज़्यादा इकराम करेंगे। सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिहाजा आप जैसे खादिमों की, सचमुच मैं आप लोगों के एक कदम को जब देखती हूँ, आप तशरीफ़ लाते हैं मजालिस हुसैनी की जानिब, सरों पर चादर तत्हीर उम्मुल हुसैन को सजाए हुए, उख्तुल हुसैन की खुशबू आपके इन मुअत्तर चादरों, हया और इफ़त से आ रही होती है। परवरदिगार आपके ईमान को रब्बुल जलाल इसी तरह जितने दिन बढ़ रहे हैं ईमान के नूर में भी इजाफा फरमाए। आज दुआ का दिन है, आज फजीलतों को जमा करने का दिन है, आज इश्क व मोहब्बत व इजहार विलायत का दिन है। ऐसे दिन हमें फिर कहाँ मिलेंगे, ऐसी फुर्सत हमें फिर कहाँ मिलेगी। आए आए बाबुल हुसैन अबुल फजल अब्बास के पिदर की किताब नहजुल बलागा की ज्यारत करें कि जिसमें आपने आकलों की निशानी बताई, और आकल की आज हम 10 निशानियों के बारे में, मुत्तकी की 10 सिफात एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़ के बारे में गौर फिक्र करेंगे। कल्ब अबुल फजल अब्बास को हमने मसरूर करना है, वो इब्ने अली हैं, और हम नहजुल बलागा के शागिर्दी अख्तियार करने की सही कोशिश में है। पहली सिफत मुत्तकी की आलिम की यह है कि उसके वजूद से खैर निकलता है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरे उनके शर से महफूज है। नंबर थ्री, वो कभी भी थकता नहीं है। किस चीज़ से नहीं थकता? लोगों की भलाई, लोगों की खिदमत से। नंबर फोर, तलब इल्म से भी वो थकता नहीं है। अनथक शख्स जो है, तगो दोर ज़हमत और मेहनत करने वाला आकिल और मुत्तकी है। नंबर पाँच, बताया गया उसके पास एक अजीब ज़ौक है, एक अजीब फिक्र है, बसीरत है कि वो कलील को कसीर और कसीर को कलील देख सकता है, अपने कसीर अमल सालेह को हकीर समझने का तरीक़ा उसको आता है, दूसरों के कसीर नहीं बल्कि बहुत छोटी छोटी अच्छाइयों को अजीम समझना उसको आता है, ऐसी बसीरत वाला है। और फिर बताया कि वो ऐसा शख्स है जिसको परवरदिगार आलम ने वो नेमत दी है कि वो जब भी किसी को देखता है, जब भी किसी को देखता है उसको अपने से बेहतर समझता है, और अगर कोई काम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, ज़िम्मेदारियां तकसीम की जा रही हो, तो वो काम लेता है जिसमें कम शोहरत हो, लोगों के सामने जाना कम हो। जैसे एक काम है जिससे शोहरत कम मिलती है, एक काम है जिससे बहुत ज़्यादा शोहरत मिलती है, उसको वो काम पसंद है। अरबी ज़बान में उसे खमूल कहते हैं। अलखमूलो अशहा मिन अश्शोहरा, अशहा यानी शहवत से उसे पसंद है खमूल होना शोहरत के बनिस्बत, उसको वो ज़्यादा पसंद करता है। और आखिरी दो सिफात ये है कि वो पसंद करता है उस ज़ाहरी ज़िल्लत को जिससे रब राज़ी हो, और उस ज़ाहरी फ़क्र को, सादगी को, ज़ोहद को जिससे दोबारा रब की रिजायत हासिल हो जाए। 10 सिफात मैंने आपको गिनवा दी, अब ज़रा तरतीब से जाते हैं कि उसका वजूद खैर ही खैर ही खैर है। कल आपको 3 जुमलात पर मुश्तमिल कौल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बताया, अक्सरुल खैर फिन्निसा, अक्सर खैर औरतों में है। ये है तो 3 कलमात पर मुबतनी हदीस, लेकिन हमारी तकदीर बदल रहा है, हमें तरगीब कर रहा है हुस्न कमालात और जमालात की जानिब कि मोमिन वो है जिसके वजूद से खैर और लोग उसके शर से महफूज हैं।
उसकी ज़बान से लोग डरते नहीं है कि फलानी आ गई अब क्या होगा, नहीं, बिल्कुल पीस, जिसके अंदर भी सुकून बाहर भी दूसरों को सुकून देता है उसे आकिलो मुत्तकियो मोमिनो शागिर्दे अली कहते हैं। इसलिए ज़ियारत जामिये कबीरा में हम कसीदा मासूमीन गाते हैं और कहते हैं इन ज़ुकिरल खैर कुंतुम अव्वलहु व असलहु व फरअहु व इंतहाहु, अगर जहाँ भी खैर है पूरी कायनात में जिधर आप खैर देखो, इल्म देखो, नेकी देखो, कमाल देखो, तो उसकी इब्तिदा भी मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसकी इंतहा और उरूज और कमाल भी मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसका हदफ जिंदगी में रिज़ाए इलाही है। रिज़ाए इलाही जब हदफ हो, मकसद हो, फोकस हो, फिर खुद ब खुद आपको नज़र आने लगता है कि वो ज़ाहरी चीज़ों को नहीं देखता। ज़ाहिरन ज़िंदान में जाना पड़े जनाब हज़रत यूसुफ़ की तरह, तो वो कहते हैं ना ज़िंदान मेरे लिए उस आज़ादी से ज़्यादा बेहतर है जहाँ मुझे ज़्यादा तकवा का लिबास मिल रहा है। ज़ाहरी ज़िल्लत उसे पसंद है जिसे लोग जलील होना कहते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो अजीज़ हो, क्योंकि मोमिनीन मुंतज़िरों की एक सिफत ये बताई गई है कि फ़िल अर्ज़ मजहूला व फिस समाए मारूफा, मुत्तकी मुंतज़िर वो होते हैं कि शायद ज़मीन वाले उन्हें इतना नहीं पहचानते लेकिन आसमान वाले मलाइकतुल्लाह उनका नाम इस तरह से पहचानते, हदीस के ये अल्फाज हैं, जिस तरह से माँ अपने बच्चे को पहचानती है, क्योंकि इतने आपके आमाल खैर को मलाइका पसंद करते हैं और लेकर जाते हैं ना, और इतना बार बार आपसे राबता करते हैं, आपके आमाल की इतनी खुशबू उन्हें आती ही रहती है, इसलिए वो आपको खूब पहचानते हैं। आप आसमान वालों में ज़्यादा मारूफ हैं, ज़मीन वाले शायद आपकी कदरदानी, शायद आपके आमाल को अप्रिशिएट नहीं करते। और वहाँ जैसे दुनिया में देखें ना, अगर आपको लाइक्स मिल जाते हैं, आपको अगर पता नहीं कितने मिलियन लोगों ने पसंद कर लिया, नेट में आपको लाइक्स मिल गए, आप खुश हो गए। दुनिया की आबादी कितनी है, 7 अरब या 8 अरब, अरबों में लोग हैं, लेकिन मलाइकतुल्लाह की तादाद करोड़ों क्या, ट्रिलियन क्या, ट्रिलियन के ट्रिलियन क्या, कहते हैं हम गिन ही नहीं सकते। तमाम मखलूकात में सबसे ज़्यादा तादाद के लिहाज से जिनकी तादाद लामहदूद है मखलूकात इलाही में, वो मलाइकतुल्लाह हैं। और जब हम मर जाएंगे यही हमारे किरामुल कातिबीन जो हमारी बहुत इज्जत करते हैं, इनका ख्याल रखो, आकिल वो है जो इनके साथ अपना रिलेशनशिप फिक्स अच्छा मज़े का इनसे लाइक लेता है, लाइक लाइक लाइक, मलाइका उन्हें इतना लाइक करते हैं, इतना लाइक करते हैं, इतना लाइक करते हैं कि जब हम मर जाएंगे वो बारगाह इलाही में जाकर कहेंगे या रब ये अब्द ये मोमिन इतना अच्छा था, अच्छी अच्छी जगहों पे जाता था, खुशबूदार मुअत्तर रूह को कवी करने वाली, हमेशा मजलिसों में जहाँ जाता है अच्छी बातें करता है, गंदी जगहों पर फजूल में इधर उधर रातों को बातें करना और खाना पीना ये सब उसकी आदतें नहीं है। अभी रबीउल अव्वल का महीना आए, इंशाअल्लाह हम जिंदा रहे, खुशियों का वक्त आएगा। आज का दिन आपने याद करना है, आपकी खुशी के दिन आपने अबुल फजल अल अब्बास को अपने उस फंक्शन में बुलाना है कि या अबुल फजल अल अब्बास, हम भिकारी बनकर आए, हमने आपसे तवस्सुल किया, आपके वजूद मुतहर के ज़रिए हमने बहुत सी नेमतों को हासिल किया, आज हम खुशी मना रहे हैं, आपने सबसे पहले हमारी महफिल में आना है। और इंशाअल्लाह रूह अब्बासी खुश हो, क्योंकि अब्बास यानी वो शख्स जो अबूस हो रहा है, जो फ्राउनी है, जो गुस्से में है, किस वक्त, जब बातिल, जब मासियत इलाही, जब अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, वहाँ जनाब अब्बास को जलाल आ जाता है। ऐसा शख्स
जो गुनाह को नो कह दे, ला कह दे, उसका नाम अब्बासी हो। ये एक अजीब सिफत है मुत्तकी की, आकिल की, कि वो अपने कसीर अमल को हकीर समझे। और यही वो की पॉइंट है, यही वो रूट है जो इंसान को हलीम बनाती है, बुर्दबार बनाती है, बुरों के साथ अच्छा रफ्तार करने के लिए आमादा करती है। क्योंकि वो अपने अमल को कसीर ही नहीं समझता, कहता ही नहीं है कि मैंने इतना किया, मुझे जवाब में क्यों नहीं मिल रहा, और हे मैंने इतने एहसानात किए फलानी के साथ। जो लोग गिनते रहते हैं ना कि मैंने ये किया ये किया ये किया, वो फौरन अलर्ट हो जाए, सोचे कि शायद हमारे पास अक्ल नहीं है। अपने आमाल को हकीर समझना और दूसरों के हकीर हकीर चीज़ों को कसीर समझने की एक अजीब सी, बहुत ही निराली सी सिफत और बसीरत जो है वो आकिल के पास है। और आप देखिए इससे ज़िंदगी में कितना नूर आता है, विज़न बदल गया, प्रोस्पेक्टिव बदल गया, सोचने का अंदाज़, देखने का अंदाज़ बदल गया। कैसे हो सकता है कि दूसरे ने कम किया, मैंने ज़्यादा किया, दूसरा इतना अच्छा नहीं, मैं बहुत अच्छी, ज़ाहिरन मसलन मैंने किसी बेनमाजी को देखा, क्योंकि इसकी आखिरी जो सिफत है उसके बारे में मौला ने फरमाया अल आशर व मल आशरा, आखिरी सिफत बहुत बड़ी सिफत है, वो सिफत इतनी अजीम सिफत है। वो सिफत क्या है कि ला यरा अहदन इल्ला यकूल हुवा खैरु मिन्नी व अबका। आकिल और मुत्तकी किसी को नहीं देखता, जैसे ही किसी को देखता है, किसी से मिलता है, कहता है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर भी है, वो मुझसे ज़्यादा मुत्तकी भी है, हर एक को अपने से बेहतर भी समझता है। जो ये कहे मेरा शौहर कम समझदार है, मैं समझदार हूँ, औरतें अक्सर ये समझती है, यार पता नहीं वो क्यों नहीं समझता जितना मैं समझती हूँ। हर एक अपने आप को ज़हीन, समझदार, शॉपिंग में तो एक्सेलेंट, उसे तो कुछ ख़रीदने ही नहीं आता, मुझे ही आता है, हर चीज़ मुझे याद रहती है, उसे क्या याद रहती है। अपने आप को बहुत बेहतर समझना, बेचारे जो हमारे घर के हेल्पर्स होते हैं, क्या तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, कितनी पागल सी हो तुम, बेवकूफ़ सी हो तुम। वो ख़ुद ही इंसान सबसे बड़ा अहमक और बेवकूफ़ है जो दूसरों को बेवकूफ़ कह रहा होता है। ये अजीब मैदान है, ये बोलना आसान है लेकिन अमल करना नहायत संगीन, कि आप जिसको भी देखें, ज़ाहिरन आपने पर्दा किया हुआ है, उस शख्स ने नहीं किया हुआ। हुक्म अलवी क्या है, क़ुरान का हुक्म क्या है, क्या आप ज़रा सा भी ये सोच सकते हैं कि मैं थोड़ी सी बेहतर हूँ उससे? नऊज़ु बिल्लाह, बिल्कुल भी नहीं, इजाज़त नहीं है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। वो अमल हो सकता है ज़ाहिरन वो अमल नाक़िस हो, लेकिन वो आमिल, वो बंदा बुरा नहीं है। और हम कभी भी ये सोच नहीं सकते, इसकी जो असल वजह बताते हैं वो अदमुल इल्म व इल्म में अदम है। आसान सी बात है कि अपने बारे में हमें अदम का इल्म है, हमें पता है कि मेरे पास वो खुलूस नहीं है, मैं अंदर से इतनी पाक नहीं हूँ, ठीक है शायद मैं बहुत से आमाल कर रही हूँ, लेकिन दूसरों के बारे में हमें अदमुल इल्म है, हमें नहीं पता उसकी नीयत कैसी है, उसका मुस्तकबिल कैसा है, वो किस ख़ानदान में पैदा हुई, क्या हुआ, बहुत सी चीज़ों का नहीं पता। लिहाजा अपने तमाम ख़ताओं का हमें इल्म है, इसलिए अपने आप को हकीर जाने, और दूसरों के बारे में हमें 100% कुछ नहीं पता, और उसको अजीम जाने। हर एक को अपने से अगर आप बेहतर समझने लग जाए, ज़िंदगी बदल जाएगी। आसान नहीं है, इमाम के सय्यूम तक, 12 मुहर्रमुल हराम तक, ये टारगेट इंशाल्लाह हम सब अपने आप को देते हैं कि कुछ दिन भी अगर हम गुजार लें, कुछ दिन, ये 3-4 दिन भी हम गुजार लें आशूर के बाद, 2 दिन और इमाम के सय्यूम तक, ज़रा चेक करें कि कोई ऐसा वक्त ना गुजरे जिसमें हम
किसी को अपने से बुरा समझे, जिसको भी देखें। क्योंकि देखिए बात यह है, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी इस हदीस पर बहुत ज़्यादा ताकीद करते हैं। वो कहते हैं ला यगा अहदा, अहद यानी उमूमी तरीन लफ्ज़, अहद अहद यानी एनी वन विदाउट एनी कंडीशन, देयर इज नो एनी कंडीशन, या कोई खास कैद और शर्त नहीं लगाएगा, कोई भी हो, आप कहो कुछ पता नहीं वो कितना अल्लाह का शायद मुकर्रब बंदा है। ठीक है कुछ आमाल में नाकिस है, मैं उसके लिए दुआ गो हूँ, लेकिन मुझे क्या पता मेरा अमल कैसा है। क्योंकि मेरे नबी को एक बात की हमेशा फिक्र रहती थी, वो फरमाते थे कि मैं अपनी उम्मत के लिए अगर वो गुनाह ना करे तो एक और आफत, एक और बला के बारे में बहुत ज़्यादा डरता हूँ, वो बला है उज्ब की। वो अपने आप को पसंद करना कि मैं नमाजी, मैं आज़ादार, मैं जाहिर, मैं, इससे बड़ा खौफ आता है। ये मैं हमारे आमाल के लिए आफत है, बला है। इसलिए हदीस ने कहा सय्यअतुन तसुका खैरुम मिन हसनतिन तुअज्जिबुका, वो सय्यअ बेहतर है उस हसना से, वो बुराई शायद बेहतर हो उस अच्छाई से जो अच्छाई तुझे किब्र, फ़ख्र फरोशी, खुद पसंदी की तरफ ले जाए, लेकिन वो बुराई तुम्हारे अंदर गिल्ट लेकर आए, तवाज़ो लेकर आए। अल्लाह को खाशियाइन पसंद है। आज हमने ज़िक्र करना है रमीसा का। रमीसा वो खातून तौहीदी खातून है जिसकी ज़िंदगी खुशी और गम सब के सब ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुबतनी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं जब भी ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करती हूँ, एक दिन ऐसा ना गुजरे, तूफ़ान आए, पता नहीं सैलाब आए, कुछ भी हो, जितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो, आप एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह के निकाले बग़ैर वो दिन ख़त्म ना होने दे, ये वादा। ठीक है, क्यों? क्यों कहते हैं सात आसमान सात ज़मीन अपने साकिनों के साथ और खूब आबिदों के साथ अगर उसका वज़न किया जाए, सात आसमान और ज़मीन जिसमें इतने मलाइका इतनी तस्बीहें कर रहे हैं, उस सब को एक जगह उसका वज़न किया जाए, दूसरी तरफ एक ला इलाहा इल्लल्लाह जो आपकी ज़बान से निकल रहा है, कहते हैं इस जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का वज़न बहुत ज़्यादा। ला इलाहा इल्लल्लाह ये जिक्र अब्बासी, ये जिक्र अबू दरी, ला इलाह यानी नो गुनाह, नो 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 कहना हमें सिखाते हैं ना, नो शुगर, नो दिस, नो दैट, बड़े फ़ख्र से हम कहते हैं नहीं मैं ये चीज़ नहीं करती। यहाँ फ़ख्र से कहें गुनाह को नहीं, ला इवल, ला गुनाह, ला शर, ला इलाह, ये ला कहना यानी अब्बासी, अब्बास यानी ला, ला बातिल के लिए, ला मासियत इलाही के लिए। रमीसा के बारे में बताया गया कि जब आपके शौहर इस दुनिया से गए और अबू तलहा अंसारी रिश्ता लेकर आते हैं, तो अबू तलहा हसीन, हैंडसम, खूबसूरत, मशहूर और नहायत मारूफ ख़ानदान से, आपने कहा आपके पास तमाम सिफात मौजूद है, एक से एक हसीन, लेकिन एक बहुत बड़ा नूर आपके पास नहीं है, वो है नूर ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस दिन आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे, मुझे दिरहम और दीनार नहीं चाहिए, मेहरिया में अपना इस्लाम को रखूंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह को रखूंगी। और लिखा है बाकायदा कि रमीसा वो मुवहिदा थी, वो अजीम सहाबिया रसूल थी कि जब नबी मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो आपने रमीसा की चलने की आवाज़ मेराज में जन्नत में सुनी और आपने पूछा ये कदमों की आवाज़ ये किस माँ की है, बताया गया ये एक माँ है, कहा कौन है, कहा ये रमीसा है, उम्मे अनस है। और ऐसी खातून जो तौहीद ही तौहीद, अब्बासी ज़िंदगी है, ला ला ला, बहुत सी चीज़ों को डिलीट करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए जगह बनानी पड़ती है। ये जो हमें वक्त नहीं मिल रहा नहजुल बलागा के लिए, क्योंकि इतनी दूसरी चीज़ों ने, गन बला ने जगह घेर ली है, जगह ही नहीं है, कुछ डिलीट करो ना, स्पेस बनाओ ना, जगह दो ना, नूर लाओ ना, जुल्मतें हटाओ ना। लिहाजा रमीसा कहती है, मुझे बाकायदा गुफ्तगू करती है, मुनाजरा करती है, बात करती है, एहतराम से सिखाती है, ये है इस्लाम। और जब बहुत इस्तदलाल कर करके
ابو طلحہ ایک دن آ کر کہتا ہے رمیسہ میں نے مہریہ تیار کر دیا. مہر آپ کو پتہ ہے بعض ممالک میں بہت زیادہ ہوتا ہے, سکے ہوتے طلا کے گولڈ کے. بیچارہ مرد جمع کر 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 کے بیوی کے سامنے لاتا ہے, لیکن یہاں پر ابو طلحہ پڑھ 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 کے دل و دماغ کو نور توحید سے منور کر کے آیا اور کہا یہ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, یہ ہے مہریہ تیار. مہر تیار ہو گیا, شادی ہو گئی, پروردگار عالم نے اولاد دے دی, بچہ دیا, بچہ اتنا پیارا اتنا عزیز, بہت عزیز بچہ. لیکن ایک دن جب ابو طلحہ آتا ہے, جناب رمیسہ استقبال کرتی ہیں, آج کل کم ہو گیا نا استقبال, کہتے ہیں ابھی بھی کی پوائنٹ مرد کے دل تک پہنچنے کا صرف شکم نہیں ہے, صرف بریانی اور ڈھوکرا بنانا نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ استقبال کرنا ہے. استقبال کا اپنا ہی ایک اثر ہے, استقبال کریں. اور بہت سے شوہروں کو کہا جاتا ہے کہ چابی نہ لے کے جائیں گھر کی, یہاں تو ماشاء اللہ آپ لوگوں کے پاس ہیلپرز ہوتے ہیں, وہاں ہم خود ہی اوپن کرتے ہیں, بلکہ بیوی آئے اور دروازہ کھولے, اس کا لطف ہی کچھ اور ہے, مزہ ہی کچھ اور ہے. مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ کہیں گے یہ کیا پرانی باتیں دقیانوں سے, ابھی دنیا واپس آ رہی ہے. آپ اگر امریکن اور برٹش اور بہت سے ایسی خواتین کو جو کہ ماشاءاللہ یہاں بہت سے ایسی, مجھے پتہ ہے یہاں اسکالرز موجود ہیں, بہت سی کونسلرز موجود ہیں, میں ایسے ٹیلنٹس کو جانتی ہوں اس مجمع میں جو بہت کچھ اس طرح کے سکھاتی بھی ہیں, جو اب پھر دنیا پلٹ رہی ہے, جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے او فورٹیز میں ففٹیز میں امریکن ویمن جس انداز سے اپنے شوہروں کو استقبال کرتی تھی, اب ہم نے پھر سے شروع کرنا ہے, وہیں پر جانا ہے. تو رمیسہ نے کیا پیار سے استقبال کیا, وہ مسکراتا ہوا چہرہ جس کے لیے شوہر تڑپ رہا ہوتا ہے, وہ صرف سیلفیز کے لیے استعمال نہ ہو, جتنا بھی موڈ خراب ہو سیلفی کا ٹائم آ جائے دل نہ بھی چاہ رہا ہوں, لیکن بیچارہ شوہر آیا تو ہوں, بچہ بیچارہ ہوں, بچے اور شوہر وہ مسکراتا ہوا چہرہ کم کیوں دیکھتے. رمیسہ نے استقبال کیا, ایسا حسین استقبال, اور تمام وہ تمام ذمہ داریاں جو ایک بیوی کو پوری کرنی چاہیے پوری کر لی. شوہر نے پوچھا بیٹا کہاں ہے, کہا بخار تھا جلدی سو گیا آرام کر رہا ہے. صبح جب شوہر اٹھا تو پھر دلیل دیکھیں, عقل دیکھیں, اللہ اکبر, توحید کی طاقت دیکھیں, کہ کہا ایک چیز کسی نے ہمیں دی تھی واپس لے لی اور واپس لینے آ گیا اور میں نے اس کو دے دیا, آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں, وہ تھی امانت, لے لی تو کیا ہوا, وہ دی اسی لیے تھی کہ لینا تھا واپس, وہ بورو کیا تھا نا ہم نے, ہماری تو تھی نہیں. تو کہا ہاں پروردگار عالم نے ہمارا وہ میٹھا سا پیارا سا بچہ ہم سے لے لیا. رمیسہ کا شوہر ابو طلحہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یا اللہ یہ کیسی ماں ہے. ہمارے انڈین کلچر میں تو کہتے ہیں ماں بیچاری عورت کا کام رونا ہے نا, جبکہ آپ دیکھیں کیا اسلام طاقت دے رہا ہے. گریا کیا لیکن شکوہ نہیں ہے, شکایت نہیں. ابو طلحہ دوڑتا ہوا نبی کی خدمت میں گیا اور جا کے کہا یا رسول اللہ آپ نے توحید الہی کی اس عظیم طاقت کے ذریعے کیا صحابیہ تربیت کی ہے. آپ کو پتہ ہے رمیسہ نے کس طرح سے مجھے اس غم کی خبر کے بارے میں بتایا. نبی نے وہاں شکرانہ ادا کر کے کہا کہ قوم بنی اسرائیل میں کچھ ایسی خواتین ہوتی تھی, الحمدللہ میری امت میں بھی اتنی شاکر اتنی صابر عورت رمیسہ موجود ہے, اور آپ نے دعا دی کہ پروردگار عالم تجھے بہترین اولاد دے. تاریخ گواہ ہے کہ پروردگار عالم نے 7 اولاد رمیسہ ابو طلحہ کو دی, 7 کے 7 مبلغ اسلام حافظان کل قرآن مجید بنے. جنگ خیبر میں کہتے ہیں ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے رمیسہ حاملہ ہے, حاملہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور لڑ رہی ہے. باقاعدہ جہاد بہت سی مومنات نے کیا ہے. وقت نہیں رہا, میں نے اکرشہ کے بارے میں نہیں بتایا. اکرشہ وہ صحابیہ امام علی تھی جن کے ہاتھ میں تازیانہ ہوتا تھا, کیونکہ جنگ صفین وہ جنگ تھی جو اپروکسیمیٹلی
चार महीने तक जारी रही, 110 दिन से ज़्यादा जारी रही, जिसमें बहुत सी सहाबियाते अमीरुल मोमिनीन, लश्करे अमीरुल मोमिनीन वो मर्द हैं, उनके दरमियान आती थी और खुतबा देती थी, हाथ में ताजियाना लेकर कहती थी क़यामत को याद करो, आगे दोज़ख को ख़त्म करो अपनी इस इबादत के ज़रिए। क्योंकि आपको मालूम है मौला अली का ज़माना बहुत मुश्किल ज़माना था, लोग बहुत जल्द ईमान से भागते थे, अली को तनहा छोड़ते थे। ये बीबियाँ थीं, ये बीबियाँ बहुत सी, अकरशा, अरवा, उम्मुल खैर के बारे में है कि उम्मुल खैर ने कहा कि ये जंग बद्र की तरह है, जिस तरह नबी बुला रहे थे, जो इस जंग सिफीन को बद्र से तशबीह दे रही थी, वो अकरशा, वो उम्मुल खैर, वो हानिया, वो सौदा, वो रमीसा जैसी शख्सियात, अल्लाहु अकबर, जो मर्दों के लश्कर में जाकर उनके सुस्त ईमान को कवी कर दे। ज़रक़ा के बारे में बाकायदा बताया गया, ज़रक़ा की ज़बान इतनी तेज, इतनी जादुई, सहर वाली के दुश्मनान, उनकी ये आदत थी कि वो अफराद को कूफा भेजते थे ताकि मौला अली के खुतबों को याद करें और उन खुतबों को वो अपने दरमियान पढ़ते थे, क्योंकि फसाहत और बलागत के एतबार से न सिर्फ मौला अली के खुतबे, कहते हैं ज़रक़ा के खुतबों को भी याद किया जाता था, हिफ्ज़ किया जाता था और पढ़ा जाता था, और एक से एक ज़रक़ा के अशआर और खुतबात के हाफिज़ थे। ये मकाम है औरत का, ये अली के सहाबिया, नबी के सहाबिया, इल्म, ज़कावत, शुजाअत, तौहीद। और ज़रक़ा को बुलाया गया, कूफा से शाम आई, जब शाम आई बहुत इज्जत से बुलाया और ये मीटिंग करके बुलाया कि ज़रक़ा की ज़बान में वो असर है कि अगर इसके दिल को हमने जीत लिया तो जिस तरह वो अली के नगमे गाती है शायद हमारे नगमे गाने लग जाए। इसलिए ज़ाहिरन चलाकी की वजह से इज्जत दी, आराम करवाया, आराम करने के कई दिनों बाद फिर दरबार में बुला कर कहा, ज़रक़ा याद है जंगे सिफीन के दौरान सुर्ख बालों वाली ऊँट पर बैठी हुई जिस शुजात के साथ तूने लश्करे अली के उन सिपाहियों को जिनका ईमान मुतजलजिल हो रहा था साबित किया, जो फरारी हो रहे थे उन्हें वापस पलटाया, जो बहुत शक व वसवसे में थे उन्हें साबित कदम करा दिया। ज़रक़ा बहुत से मुजाहिदों की तलवार से ज़्यादा तेरी ज़बान ने हमें नुकसान पहुँचाया। और ये सुनकर ज़रक़ा ने कहा मुझे कुछ याद नहीं, जो हो गया वो हो गया, मैं मुहब्ब अली हूँ। कहा अभी क्या काम है? कहा अभी वो करो जो हम चाहते हैं। तो ज़रक़ा ने कहा कि नहीं, हरगिज़ ये नहीं हो सकता। और फिर तुम्हें पता है जितने हमारे लोग जंग सफीन में मरे हैं, जितने हमारे कत्ल और खून हुए हैं, उन सब में तेरा भी हाथ है। अली जितने हमारे सिपाहियों का कातिल है, तू भी उस कत्ल में शरीक है और इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। जैसे ही ज़रक़ा ने ये जुमला सुना, खुशी से खड़ी होकर दस पे दुआ होकर कहने लगी, रहमतुल्लाह, बिशारत है, खुदा तेरा भला करे, तूने इतना बड़ा दर्जा मुझे दे दिया कि मैं अली के उस तौहीदी खालिस अमल में तूने मुझे शरीक बना दिया। ये जुमला सुन के हैरान हो गया, कहा अरे मैंने तो उसकी तजलील के लिए कहा था, ये तो और ज़्यादा खुश हो गई। और फिर वो तारीखी जुमला ने कहा कि वल्लाह वल्लाह अअजबुली लिवफाइकुम बादा ममातिही मिन हुब्बिकुम लहू फी हयातिही। अली की हयात में अली से मोहब्बत करना इतना अजीब नहीं, लेकिन अली के मरने के बाद ये वफा, आज वफाए अब्बास है ना, वफाए ज़रक़ा को भी आप देखें, ये जो वफा है अपने आका और मौला के साथ उनकी शहादत के बाद भी, ये आजब है। अहसन तुम्बारक अल्लाह। इस्लाम, औरत, मकाम, इज्जत, मासूमीन, जो इज्जत ख्वातीन को दे रहे हैं, जो इल्म दे रहे हैं, जो बसारत, जो आगाही, अरब की ख्वातीन जाहिल, बे आगाह और बिल्कुल मसाइल से बेखबर नहीं थी, बहुत बसरी, बहुत आगाह, सियासत में, इज्तिमा में, हर चीज़ में
نہایت ان کا اہم رول ہوتا تھا۔ بلاغات النساء وہ کتاب ہے جس پر سنی شیعہ سب بھروسہ کرتے ہیں، علامہ مجلسی بھی اسی کتاب سے روایات نقل کرتے ہیں۔ بلاغات النساء میں ابن تیمور نے اتنی حسین حسین یہ نورانی رول ماڈلز اور صحابیات کا ذکر کیا ہے کہ یہاں بتایا کہ زرقا کی طرح، عکرشہ کی طرح، اور ہم نے دارمیہ کا ذکر کیا، اور انشاءاللہ سودا کا ذکر کریں گے، اور رمیسہ کے بارے میں بتایا کہ رمیسہ خوشی کے وقت جب رشتہ آتا ہے اللہ کو یاد کرتی ہے، توحید مہریہ رکھ رہی ہے حق مہر، اور جب غم آتا ہے بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر لا الہ الا اللہ نے رمیسہ کو طاقت دی، اور جب فتح مکہ کے بعد ہر کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، رمیسہ کہتی میرے پاس کچھ نہیں، اپنا بیٹا گفٹ کے طور پر نبی کی خدمت میں ایز اے خادم پیش کرتی ہیں، تحفہ بھی بے مثال، انس خادم رسول اللہ، اور یہ چوائس انتخاب ایک ماں کی تھی، ایک عورت کی تھی کہ بیٹا تحفے کے طور پر دیا جائے، مہر اسلام ہو، اور جب مہمان آئے تو کہتے ہیں ایسی مہمان نوازی کی کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کے شان نزول میں ابو طلحہ اور رمیسہ شامل ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایسی عجیب عجیب بہت ہی حسین سے حسین نرالے جو اعمال ہمیں نظر آ رہے ہیں رمیسہ کی زندگی میں، یہ سب کے سب وہ توحید ہے، وہ لا الہ الا اللہ، وہ عظیم مقام جو مقام ابو الفضل عباس کو رب نے عطا کیا، ہمارے چوتھے امام جب بھی فرزند عباس عبید اللہ کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ نبی پر سب سے کٹھن سخت وقت اس وقت آیا کہ جب سید الشہداء حمزہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جب جعفر طیار کی شہادت کی خبر آئی، اور پھر فرماتے ہیں یہ طریقہ تھا سید الساجدین کا، آپ یوں ہمیشہ جب بھی عبید اللہ کو دیکھتے تو فرماتے تھے لا یوم کیوم ابا عبداللہ الحسین، لیکن جو وقت حسین پر آیا کسی پر نہیں آیا، ان للعباس منزلۃ عند اللہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء، اے عبید اللہ تیرے پدر عباس کی منزلت اور مقام قیامت میں اس طرح سے ہے کہ سید الشہداء حمزہ بھی رشک کریں گے، جعفر طیار بھی ان کے مقام کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، وہ مقام مقام ابو الفضل عباس ہے، اور میں تو یہ سوچ کر ہی حیران رہ جاتی ہوں، ام الائمہ جو مشکل کشا آئمہ ہے نا، ام ہے، ام کا مطلب ہے درمان، جڑ، ہر چیز کا علاج، ہر چیز کا حل جس کے پاس ہو وہ ام ہوتی ہے، جو ام الائمہ جن کا نام فاطمہ، فاطمہ نام میں ہی شفاعت کا معنی مخفی ہے، فاطمہ یعنی وہ ہستی جو جدا کر رہی ہے شیعوں کو آگ سے، فاطمہ جدا کرنے والی، فاصلہ قاطع قطع کرنے والی، وہ ہستی جو فاطمہ ہے، جو ام الائمہ ہیں، لیکن جب امت محمدی کی شفاعت کرنا چاہتی ہیں تو ابو الفضل العباس کے ہاتھوں کا سہارا لے رہی ہے، یہ بڑا عجیب مقام ہے، یہ وہ ہاتھ جن کے بوسے کبھی علی نے لیے، کبھی بتول، اور کبھی سید الساجدین، اور کربلا کے دن ابا عبداللہ الحسین، کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام ذوالجلال پر سوار دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے عباس مڑ مڑ کر مجھے دیکھنا کیونکہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، بیبیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، میرے چہرے کی جو کیفیت ہوگی وہی چہرہ زینب کی ہوگی، وہی ننی سی سکینہ کی ہوگی، ہاں کیا دیکھا حسین نے دیکھا، عباس مشکیزہ بھر چکے نہر فرات میں، جناب سے
सकीना के चेहरे की ज़ियारत की, अली असगर का मुस्कराता हुआ लबों को देखा, लेकिन यही दुआ की बारे ला ये मशकी जाले असगर तक पहुंच जाए। अज़ादारों, जब शेर खुदा का फर्जन अब्बास फरात तक पहुंचा, कोई उनके करीब न आ सका, किसी की लड़ने की जुरात ही नहीं थी। सपने देख लिया, अब्बास का रुख अब खेमे की तरफ है, अब जब देखा खेमों में पानी पहुंच जाएगा, बुजदिलों ने छुप छुप कर दरख्तों के पीछे से जिसके हाथ में जो आता अब्बास की जाने पर ताब किया। क्या देखते हैं आका हुसैन के हजरत अब्बास का आलम जो सीधे हाथ में है, वो आलम हिलते हिलते उल्टे हाथ की जानिब चला गया और रजस की आवाज आई, अल्लाह इन कतअतुम यमीनी, ए लोगो मेरा हाथ कट जाएगा, मेरी वफा को खत्म न कर सकोगे। लेकिन जब दाया बाजू नहीं कटा, वो मशकीज़ा और वो आलम दांतों पर है, लेकिन आज़ादारों मलून ने अब्बास की उम्मीद पर इस तरह से पानी फेरा कि वो तीरे से शामा मशकीज़ा सकीना यानी कल्ब अब्बास पर लग गया। यहाँ पानी बहता है गोया हुसैन के आलमदार के वजूद से खून, उम्मीद तमाम हो गई। जिन्होंने जहरा किया आरजू ये है कि जब हम अब्बास का जिक्र करें तो तफसील से करें। बीवी ने कहा, हर मुजाहिद घोड़े से जमीन पर गिरा है, लेकिन मेरा बेटा अब्बास का गिरना कुछ और है। मेरी तमन्ना ये है कि आठवीं मुहर्रम को जब मेरे बेटे का आलम उठे तो मेरे बेटे के वो मसाइब बयान किए जाए कि किस तरह से मेरा शुजा बेटा जमीन करबला की तरफ आया। अज़ादारों, हर आने वाला, हर जमीन पर गिरने वाला अपने बाजुओं से अपने जिस्म की हिफाजत करता है ना, लेकिन हमारी जाने कुर्बान हो अब्बास के उस चेहरे अक़दस की कि फौरन से जब जमीन पर गिरे चेहरा खाक करबला का भरोसा करने लगा और जालिम ने कुछ तीर अब्बास की आंखों में यहाँ आवाज दिया, अखा अदरक अखा, ए भाई को पालो दीवार। कहते हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन को भाई कहा, आखिर क्यों? कहते जैसे ही आके आंखों में तीर लगा आवाज आई हजरत जहरा की, ए मेरे बेटे मेरे पास आ जाओ, अब्बास को यकीन हो गया मैं फरजंद जहरा बन गया हूँ। आवाज दिए, मेरे भाई हुसैन आ जाओ। हाय हुसैन, कमर चुकी है, हुसैन का रबदार जा रहा है, आइए हुसैन की मदद कीजिए। न जाने कैसे अपने आप को लाश अबुल फजल अब्बास तक पहुंचाया। क्या तमन्ना है हजरत अब्बास की? तमन्ना ये है, मेरे भाई मेरी आंखों से तीर निकाल दे, खून साफ कर दे। इन आंखों ने सबसे पहले आपका जमाल देखा, जाते जाते हुसैन जमाल को देख कर जाना चाहता हूँ। ए मेरे भाई मेरी लाश को खैमों की तरफ न ले जाना, मैं कैसे सकीना के सामने हाजिर हो सकूंगा। इमाम हुसैन ने आलम अब्बास को उठा
पास ताकत नहीं, अब आप घोड़े पर सवार ना हो सके, चलते चलते खेमों की तरफ गए। बच्चों ने बड़ी उम्मीद से जब आलम को देखा तो क्या कहा, आली असगर आ जाओ, देखो मेरे चचा पानी लेकर आ गए। लेकिन क्या देखा, आलम है। सकीना ने पूछा, अगर चचा जिंदा है तो कहाँ है, अगर जिंदा नहीं है तो लाश क्यों नहीं है। हुसैन जवाब न दे सके, अलाम कसरा जहरी वापस। मौला हुसैन ने एक जुमला कहा, बस आज के बाद वो लोग जो सुकून से सोते थे न सो पाएंगे, आज के बाद ज़ैनब बेचैन रहेगी, लेकिन दुश्मन आराम से सो जाएगा।